दिल्ली तक के वीडियोस को देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। क्योंकि जो कांग्रेस के लिए, सपा के लिए, बसपा के लिए नामुमकिन था, मोदी है तो नामुमकिन अब मुमकिन है। क्योंकि मोदी है तो जब हर भारतीय चाहता है कि मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बने, क्योंकि मोदी जी इसलिए बने, क्योंकि मोदी जी इस देश के अंदर गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए, व्यापारियों के लिए, समाज के प्रत्येक तबके के हितों के लिए जो कार्य किए हैं, न भूतो न भविष्यति, ऐसा कार्य कभी नहीं हुआ। पूरे देश के अंदर अगर आप देखेंगे, 60 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए सालाना स्वास्थ्य बीमा की सुविधा देने का कार्य मोदी जी ने दिया। भाइयों बहनों, 36 करोड़ परिवारों को बैंक में अकाउंट खोल दिया जनधन योजना में। 12 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से सालाना 6,000 रुपए देने का कार्य किया। 7 करोड़ गरीबों को निःशुल्क रसोई गैस के कनेक्शन दे दिए गए। 9.5 करोड़ गरीबों को एक एक शौचालय दे दिया गया। 2.5 करोड़ गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना दे दी गई। 4 करोड़ परिवारों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन। भाइयों बहनों, ये कार्य इसलिए हो पाया क्योंकि एक गरीब की पीड़ा, एक सामान्य नागरिक की पीड़ा, एक किसान की पीड़ा, एक नौजवान की पीड़ा मोदी जी समझते हैं। उनका सम्मान मोदी जी करना जानते हैं। राहुल गांधी से जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व की सरकार थी, तब राहुल गांधी से किसी ने पूछा कि किसान के लिए क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा, किसान का इतना इतना विकास करा देंगे, इतना विकास हम किसान का कराएंगे कि किसान के खेत में हम टाइल लगा देंगे। अब किसान के खेत में टाइल लगेंगे या किसान के खेत में उसकी उपज आनी चाहिए? अरे किसान के खेत में टाइल लगा देंगे तो बेचारा तो तबाह हो ही जाएगा, और ये तबाही का नाम ही कांग्रेस है। भाइयों बहनों, इस तबाही को मत आने दीजिए।